हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ई तक्षशिला क्लासेस। दिस इज साहिल शर्मा। सो स्टूडेंट, वी आर डन विद आवर पेनल्टीमेट वीक ऑफ द प्रिपरेशन एंड वी आर नाउ एंटरिंग इनटू द हेल वीक ऑफ द प्रिपरेशन। मैंने ये हेल वर्ड क्यों बोला, क्योंकि हमारा लास्ट वीक है। लास्ट वीक ऐसा होता है, बच्चे के दिमाग पे इतना ज़्यादा प्रेशर, इतनी ज़्यादा टेंशन, और बच्चे को इस पॉइंट पे समझ ही नहीं आता कि भाई करें तो करें क्या, ठीक है ना। जैसे कि हमारा 1st of September 2024 को हमारा CDS2 2024 जो है वो एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि लास्ट वीक में हमें अपनी रिवीजन कैसे करनी है। क्या ऐसे स्टूडेंट का कोई फायदा होगा कि जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा और लास्ट वीक में अगर वो अपना जी जान लगा देंगे तो कुछ बात बन सकती है। तो इन सब बातों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले मैं बात करूंगा जो हमारा ये महासंग्राम, या यूं कह लो कि भाई जिस चीज के लिए आपने आपने सपने देखे हुए हैं, ठीक है ना, आपका ड्रीम है। अब ड्रीम के लिए बच्चा हर कोई तैयारी नहीं करता, बट वो ऐसे अपने आप में एक फीलिंग जरूर लेता रहता है कि यार मेरे को ऑफिसर बनना है, ऑफिसर बनना है, ऑफिसर बनना है। तो आज की इस वीडियो में ना मैं उन दोनों टाइप के स्टूडेंट के बारे में बात करने वाला हूँ। देखो, एक स्टूडेंट हमारे हैं जो भाई लास्ट मिनिमम, मैं कह रहा हूँ लास्ट मिनिमम 3-4 मंथ से कंटिन्यूस एफर्ट डाल रहे हैं, ठीक है ना। मिनिमम लास्ट 3-4 मंथ से, इससे पीछे वाले भी होंगे बट मैं मिनिमम 4 महीने तो कह ही रहा हूँ। मिनिमम 4 महीनों से वो अपने जो है वो कंटिन्यूस एफर्ट डाल रहे हैं। और कुछ स्टूडेंट हमारे ऐसे हैं कि जिन्होंने अभी तक, मतलब कि हार्डली पिछले 15 से 20 दिनों से वो एफर्ट डाल रहे हैं। एफर्ट भी क्या डाल रहे हैं, बस कि वो अब पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, किसी ना किसी उम्मीद से वो पढ़ रहे हैं, या फिर इससे भी कम दिनों से पढ़ रहे हैं, या फिर वो बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहा, ठीक है ना। तो भाई दोनों टाइप के स्टूडेंट के लिए जो स्ट्रेटेजी हमारी लास्ट वीक में रहने वाली है वो बिल्कुल ही डिफरेंट रहने वाली है, ठीक है। सबसे पहले आपको आपका एम पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको आपका एम पता होना चाहिए कि भाई जैसे मतलब आप IMA के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप OTA के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप IAF के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर आप INA के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। सबसे पहले ये गोल आपका क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आपके दिमाग में एक क्लैरिटी ये जरूर होनी चाहिए कि भाई आपके सब्जेक्ट में, किस सब्जेक्ट में आपकी जो होल्ड है वो स्ट्रोंग है, और जिस भी एकेडमी के लिए आप टारगेट कर रहे हैं उसकी मिनिमम कट ऑफ है, उसकी कट ऑफ किसके अराउंड रहती है। देखो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है वो अपने OTA और IMA के ही होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं OTA की बात करूं, हम लोग मान के चलते हैं कि भाई OTA की कट ऑफ 100 ± 5 रहती है, और अगर मैं IMA की बात करूं तो इसमें 140 ± 5 हम लोग IMA की मान के चलते हैं, और अगर मैं IAF की बात करूं तो ये थोड़ी सी, मतलब वैसे कभी IMA से ऊपर भी चली जाती है, मोस्ट ऑफ द टाइम तो ऊपर रहती है, कभी कभी ऐसा होता है कि कम भी चली जाती है, बहुत रेयर चांस होता है, बट आप इसकी कट ऑफ जो है वो 150 ± 5 मान के चलते, ठीक है। अब OT के लिए तो हमारे पास सिर्फ इंग्लिश एंड GK है, और यहाँ पे इंग्लिश, GK एंड मैथ्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज ये बोलूंगा, देखो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो जो भी मैं बात यहाँ पे करूंगा वो मैं जर्नल स्टूडेंट्स के साथ जो होता है मैं उसके बारे में बात करूंगा। सबसे पहले तो अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए कि भाई कुछ उस दिन जो है वो कुछ ऐसा मैजिक हो जाएगा कि भाई एकदम से आपके नंबर बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। अगर मॉक में आपके मान लो इंग्लिश में 30 या 40 आते हैं तो वो एकदम से 70-80 बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला,
ठीक है ना। तो किसी भी एक एक्सटर्नल पावर के ऊपर भरोसा करके आप लोगों ने नहीं जाना। ऐसा नहीं सोचना कि भाई हाँ चल, वैसे तो तुमने स्ट्रेटजी पेपर से पहले बनाई थी कि भाई इंग्लिश में 70 स्कोर करूंगा, बट नहीं यार मैं तो 90 स्कोर करके आऊंगा, मैं तो उस हिसाब से पेपर अटेम्प्ट करके आऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। आपने अभी तक जितने भी मॉक टेस्ट दिए हैं वहां से आपको आइडिया लग गया होगा कि भाई कौन से पार्ट में आपका जो होल्ड है वो स्ट्रोंग है, कौन से पार्ट में आपका जो होल्ड है वो वीक है, ठीक है ना। उसी के अकॉर्डिंग ही आपने अपना पेपर अटेम्प्ट करना है, मतलब वहां पे जाके कोई स्ट्रेटेजी चेंज नहीं करनी। जो चीज आप सोच के जाओगे उसी के अकॉर्डिंग आपने पेपर अटेम्प्ट करना है, ठीक है। देखो टफ है इजी है ये सिर्फ एक बंदे के लिए नहीं होगा, टफ इजी जैसा भी होगा वो जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए होगा, ठीक है। अब टफ इजी का फर्क क्या रहता है, जैसे मान लो कुछ बच्चों की इंग्लिश जो है ना वो काफी स्ट्रोंग होती है, मतलब एटलीस्ट इतनी स्ट्रोंग है कि भाई पेपर टफ आए इजी आए उन्हें फर्क नहीं पड़ता, मतलब उनका जो स्कोर है वो 70 से 80 के बीच में रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। तो जब वो पेपर देने जाएंगे तो भाई उन्होंने टारगेट इतना ही रखना है, मतलब अगर तुम्हें पता है तुम्हारा पोटेंशियल 70-80 है तो ज्यादा ओवर अटेम्प्ट नहीं करना, मतलब इस चक्कर में नहीं रहना कि भाई पेपर थोड़ा इजी आ गया तो मैं मतलब कि तुक्के मार देता हूँ, ये कर देता हूँ वो कर देता हूँ, ऐसा नहीं करना, ठीक है ना। अगर तुम्हें लगता है कि भाई 70-80 तक तुम स्कोर कर पा रहे हो पेपर, हालांकि मतलब पेपर अटेम्प्ट करो, मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई 10 क्वेश्चन आते हो 10 के 10 छोड़ आओ, नहीं, बट तुक्के नहीं मारने। अगर आपका स्ट्रोंग पार्ट इंग्लिश है और वो इतना स्ट्रोंग है कि आप 70-80 इजिली स्कोर कर लेते हो, तब आपको इंग्लिश के पार्ट में ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, वहां पे ये नहीं सोचना कि आउट ऑफ 100 मैं 95 स्कोर कर लूं, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, समझ में आ गई ना बात। अब अगर मान लो तुम्हारा ओटीए में 100 ± -5 है, मैं तो ये बोलता हूँ कि भाई तुम सबसे पहले टारगेट रखा करो 50-50 का। अब अगर मान लो तुम 50 इंग्लिश में 50 + 20 स्कोर कर सकते हो, तो तुम्हारे पास मार्जिन है कि तुम जीके में इंग्लिश -15 तक जा सकते हो, ठीक है ना। इस तरीके से तुम्हारी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, इंग्लिश में जितना 50 से ऊपर जा सकते हो उतना ही तुम लोग एक मार्जिन लेके चल सकते हो कि भाई जीके में मैं 50 से उतना कम जा सकता हूँ, ठीक है ना। सेम बात यहाँ पे होती है, यहाँ पे भी हम लोग 50 50 50 का टारगेट लेके चलते हैं। अब भाई जिन बच्चों का मैथ स्ट्रोंग होता है, ठीक है ना, बच्चा 50 स्कोर कर लेता है, ऐसा नहीं है कि भाई मैथ में 50 स्कोर करना बहुत बड़ी बात है, नहीं बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं है। मैं अभी बताऊंगा भी कि अगर किसी बच्चे ने अभी तक मैथ में कुछ भी नहीं पढ़ा वो तब भी लास्ट वीक में कौन से ऐसे टॉपिक है जिन्हें पढ़ के वो इजिली 20-25 एटलीस्ट मैथ की कट ऑफ क्लियर कर सकता है, अगर उसे लगता है कि भाई इंग्लिश जीके में वो 120+ स्कोर कर सकता है, ठीक है ना। अब आईएमए में दो तरीके के बच्चे होते हैं, एक बच्चे ऐसे होते हैं जिनका जीके स्ट्रॉन्ग नहीं होता मैथ स्ट्रॉन्ग होता है, और एक ऐसा होता है कि जिनका जीके स्ट्रॉन्ग होता है बट मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं होता, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ कि भाई तुम इंग्लिश जीके और मैथ में 50-50 है। अब जिस सब्जेक्ट में मान लो इंग्लिश में बच्चे ऐसे भी हैं जो 20-25 एक्स्ट्रा स्कोर कर सकते हैं, अब ये मार्जिन तुम जीके और मैथ में भी ले सकते हो भाई। अगर तुमने इंग्लिश में 70 से 75 स्कोर कर लिए तो तुम्हारे पास मैथ और जीके में ऐसा है कि भाई एक प्रेशर कम हो जाएगा, जीके में 30 भी स्कोर करो मैथ में 50 भी स्कोर करो इजीली क्रैक हो जाएगा, ठीक है ना। अगर बच्चा ऐसा है जो ओटीए में ही 120 तक स्कोर कर सकता है, होते हैं ऐसे बच्चे भी, तब उन्हें मैथ में सिर्फ 20 नंबर लेने। तो वो अभी बच्चा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखे, मैं उसको बताऊंगा कि अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा, तब भी आप मैथ में 20 नंबर कैसे लेके आ सकते हो, ठीक है ना। यही सेम स्ट्रेटेजी हमारी आईएफए में रहेगी। अब ये सब चीजें एक्सप्लेन करने का पॉइंट मेरा ये है कि तुमने जो तैयारी की हुई है उस पे भरोसा रखना है, ये नहीं सोचना कि लास्ट मोमेंट पे मैं अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर दूं तो मेरा कुछ भला हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। और ये मैं जनरल स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं, अगर 1000 में से किसी एक स्टूडेंट का हो जाएगा तो वो एक्सेप्शन, 1000 में से 900 स्टूडेंट का ऐसा नहीं होने वाला कुछ भी, 900 इनफैक्ट 990 स्टूडेंट के साथ भी ऐसा नहीं होने वाला। जैसी तुमने तैयारी की हुई है तुम्हारा पेपर वैसा ही होगा। तो अपने ऊपर एक ट्रस्ट रखना है तुम लोगों ने, फालतू में वहां जाके एक बर्डन नहीं महसूस करना कि यार मेरा
40 या 50 ही नंबर आते हैं, मुझे 60-70 करने हैं। नहीं, अगर तुम 60-70 के, तुम्हारे 30-40 आते हैं और तुम 70-80 के चक्कर में पड़ गए ना, तो तुम्हारे 30-40 भी नहीं बढ़ने, ये स्कोर भी तुम्हारा 20 से 25 के बीच में रह जाएगा। ठीक है ना? अगर तुम्हें तुम्हारी ताकत के बारे में पता है, तब चांसेस ये होते हैं कि तुम अपने पोटेंशियल से ज्यादा स्कोर करते हो। समझ में आ गई ना बात? अगर तुम्हें पता है कि भाई तुम 30-40, मतलब एक तुम टेंशन फ्री होके जा रहे हो कि भाई हाँ 30-40 तक तो आ जाते हैं। जब बंदा टेंशन फ्री जाता है तो दिमाग अच्छा काम करता है, तो हो सकता है कि भाई आप 50 तक भी स्कोर कर लो। ठीक है ना? अगर आप पेपर में जाने से पहले ही 70-80 सोच के जाओगे तो वो बात नहीं बनेगी। तो अब यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि लास्ट वीक में रिवीजन कैसे करनी है। तो मतलब जो चीजें तुम्हारी स्ट्रोंग है, जो तुमने पढ़ा हुआ है, सिर्फ उसी को रिवाइज करो, नया कुछ भी नहीं पढ़ना। ये उन बच्चों के लिए है जो अभी लास्ट के 3-4 मंथ से सीरियस एफर्ट डाल रहे हैं लास्ट वीक में, नई चीज कुछ भी नहीं पढ़नी। आपने सिर्फ रिवीजन 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 और कुछ भी नहीं। चाहे आपको कुछ भी लगे कि भाई इसमें से पेपर आता है, ये है वो है, भाई यूपीएससी ऐसी बॉडी है, यूट्यूब पे आपको लाखों चैनल, हजारों की संख्या में चैनल मिल जाएंगे जो सीरियस एफटेट की तैयारी करवाते हैं। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि इवन एक चैनल भी ऐसा नहीं होगा, कोई भी बंदा इनफैक्ट ऐसा नहीं होगा जो यूपीएससी को स्टडी कर पाए, जो ये दावे के साथ बोल सके कि भाई नहीं लास्ट वीक में ऐसा ऐसा पढ़ लो, ऐसा ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है ना? ऐसा ऐसा पढ़ लो से मेरा मतलब ये है कि भाई ये एक टॉपिक है, इसमें से तो पक्का 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 कुछ आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। तुम्हारी किस्मत अच्छी है तो आ जाएगा, किस्मत अच्छी नहीं है तो नहीं आएगा। समझ में आई बात? अब मैथ का ऐसा है कि क्वेश्चन को वो घुमा सकता है बट कंसेप्ट वही यूज करेगा। ठीक है ना? मैथ में कुछ चीजें याद करने की नहीं होती, तुम्हारे पास यही है कि भाई फॉर्मूले हैं, अब वो फॉर्मूलों को घुमा घुमा के यूज करवा रहा होता है। तो जो बच्चों ने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, उन बच्चों के लिए सजेशन मेरी यही है कि वो लास्ट वीक में कुछ भी नई चीज ना पढ़े, करंट अफेयर पढ़े जीके में, इंग्लिश के लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की अच्छे से प्रैक्टिस करें जितनी हो सकता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ही आपका भला है, मतलब ये S1 S6, फिर PQRS वाले और फिर पैराग्राफ। तो अगर आपकी रीडिंग हैबिट नहीं है तो इनमें आपका बहुत टाइम वेस्ट होने वाला है, तो आप लास्ट वीक में इनकी जम के प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है ना? लास्ट वीक में इसकी जम के प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि ये पार्ट ऐसे हैं कि इनमें इनके लिए कुछ सिखाना नहीं पड़ता, ये स्टार्टिंग से ही पूरा प्रैक्टिस पे ही डिपेंड रहता है। तो तुम अगर लास्ट वीक में भी इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें डेफिनेटली फायदा होगा। ठीक है ना? बाकी चीजें तो चलो जो आपने पढ़ी हुई है वो पढ़ी ही हुई है, बट इन चीजों पे ज्यादा फोकस जरूर डालना, ये तुम्हारा इंग्लिश में टाइम जरूर बचाएंगे। ठीक है ना? और मैथ की अगर मैं बात करूं तो भाई जो आपकी स्ट्रेटजी है वो है, बट फिर भी एक क्रोनोलॉजी मैं आपके सामने रखता हूं कि मैथ में आपने रिवीजन किस तरीके से करना है। सबसे पहले आपने पढ़ना है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के बाद आपने पढ़ना है अलजेब्रा। अलजेब्रा के बाद आपने पढ़ना है त्रिगणों। त्रिगणों के बाद पढ़ना आपने ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के बाद आपने पढ़ना है मेंसुरेशन, 3D 2D जो भी है। और इसके अलावा बच गया स्टैट्स। देखो स्टैट चाहो तो तुम सबसे पहले पढ़ सकते हो, चाहो तो सबसे लास्ट में पढ़ सकते हो। नंबर सिस्टम इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नंबर सिस्टम अगर तुम्हें तुमने पढ़ लिया हुआ है तब जाके तुम्हें अलजेब्रा समझ में आएगा। ठीक है ना? समझ में आएगा या यूं कह लो कि अलजेब्रा के क्वेश्चन सोल्व हो पाएंगे। जब तुमने ये दोनों चैप्टर पढ़ लिए तब तुम उम्मीद कर सकते हो कि भाई ट्रिग्नो में तुम अच्छा स्कोर कर सकते हो, अच्छा तुम अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर तुमने ये तीनों चैप्टर पढ़ लिए तब तुम उम्मीद कर सकते हो कि ज्योमेट्री में तुम अच्छा स्कोर करोगे, क्योंकि इन तीनों का ही यूज ज्योमेट्री में होता है। फिर इन सभी का यूज जो है वो मेंसुरेशन में भी होता है। समझ में आई बात? और जो हमारा स्टैटिस्टिक है वो सबसे पहले या सबसे लास्ट में तुम कर सकते हो, क्योंकि यही पार्ट हमारा ऐसा है जिसमें 80% पेपर हमारा बनता है, 80 to 85%। इसके अलावा अर्थमेटिक बचा होता है,
अर्थमेटिक ऐसा है, अभी थोड़े दिन पहले ही एफकैट का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, तो बच्चों ने काफ़ी अच्छे से तैयारी की होती है, ठीक है ना। तो अभी लास्ट वीक में आपने इन चैप्टर्स पे पूरा ध्यान देना है, और यही स्ट्रेटेजी मेरी रहने वाली है लास्ट के 15-20 डेज में उन बच्चों के लिए, या लास्ट वीक में। इनफैक्ट अभी लास्ट वीक स्टार्ट हो रहा है, तो जिस बच्चे ने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ वो लास्ट वीक में क्या पढ़े। देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई हाँ यहीं से ही पेपर सारा बनता है, बट मैं एक एनालिसिस वीडियो पहले भी डाली थी, ठीक है ना, और अभी मैंने ये क्रोनोलॉजी भी बताई। तुम लोगों ने अपना एक ना सिलेबस रिस्ट्रिक्ट कर लेना, ठीक है। मैं लास्ट वीक में सिर्फ मैथ के सिलेबस के बारे में बताऊंगा। तुम्हारा सिलेबस क्या होना चाहिए? एक तो नंबर सिस्टम, एक अलजेब्रा, ट्रिग्नो, एंड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है ना। अब तुम्हारा माइंडसेट ये होना चाहिए कि भाई मेरा एक हफ्ते के बाद पेपर है, और उस पेपर में सिर्फ ये चार चैप्टर आ रहे हैं, सिर्फ ये चार चैप्टर आ रहे हैं। देखो स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में ऐसे माइंडसेट के साथ हमने बहुत बार तैयारी की है, ठीक है ना। मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई तुम उतना ही अच्छा परफॉर्म करोगे जितना अच्छा तुम कॉलेज में भी कर सकते हो, बट टोटली डिपेंड रहेगा आपके माइंडसेट पे, कितने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप चीजें पढ़ते हो, ठीक है। या जो बच्चा 3-4 महीने से तैयारी कर भी रहा है बट स्टिल उसे मैथ में दिक्कत आ रही है, वो ये चार चैप्टर को अपना लॉक कर ले। देखो इनमें से 3 चैप्टर की वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाल दी हुई है, नंबर सिस्टम की वीडियो यूट्यूब पे डली हुई है, ऑलमोस्ट 4 से 4.5 घंटे की वीडियो है, ठीक है ना। फिर अलजेब्रा की वीडियो मैंने डाली हुई है, ऑलमोस्ट 5 घंटे की वीडियो है, स्टैटिस्टिक्स की वीडियो मैंने डाली हुई है, ऑलमोस्ट 2 घंटे की वीडियो है, 2 से 3 दिनों में ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो आ जाएगी, वो भी हमारी ज्यादा लंबी नहीं होगी, ऑलमोस्ट 5 घंटे की होगी, ठीक है ना। मैं अब तुम बच्चों को ये बोलो कि तुमने क्या करना है, तुमने प्रॉपर सिर्फ जितना इन वीडियो में जो जो मैंने करवाया हुआ है ना, सिर्फ तुमने उतना ही करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है ना। मैं तुम्हें टेंशन फ्री रहने के लिए ये आइडिया दे रहा हूँ कि तुमने अपना सिलेबस जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर लेना, ताकि आपके पास जो 2 घंटे हो ना वो 100 क्वेश्चन के लिए नहीं होने चाहिए। आपका माइंड पहले क्लियर होना चाहिए कि भाई मुझे 2 घंटे में सिर्फ ये 50 क्वेश्चन करने हैं, और मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं अगर 50 में से 40 या 45 भी ठीक कर पाऊँ तो। क्योंकि देखो भाई नंबर सिस्टम और अलजेब्रा के दोनों के मिला के अगर मैं पिछले मतलब ट्रेंड की बात करूँ, ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चंस दोनों से पूछे जाते हैं, और ट्रिग्नो से ऐसा है कि ऑलमोस्ट 10 से 11 क्वेश्चन, स्टैट्स का ऐसा है कि 3 से 4 क्वेश्चन, ठीक है। अगर मैं इन सबको जोड़ू भी तो 40-45 क्वेश्चन इन चार चैप्टर से पूछे ही जाएंगे, और ये चारों चैप्टर ऐसे हैं जो कि इजीएस्ट अमंग ऑल द चैप्टर्स। देखो अगर आज की डेट से मैं बात करूँ ना, पूरा एक हफ्ता पड़ा है, एक हफ्ता भी क्या लगा लो, संडे को वीडियो बन रही है अभी अपलोड हो जाएगी, अगले संडे को और पेपर है, मतलब कि मेरे पास अगर मैं बात करूँ टोटल, मैं 5 दिन 6 दिन मान के चलो कि मेरे पास 6 डेज है, और इन 6 डेज में मेरे पास दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24 छीका 144 घंटे हो गए, और जो मैंने तुम्हें काम दिया है वो काम कितनी देर का है, 5 5 10, इसे भी तुम 5 ही लगा लो, 15 2 17 घंटे का है। तुम्हारे पास 144 घंटे हैं, और जो मैंने काम तुम्हें दिया है वो टोटल 17 घंटे है। अब तुमने 17 घंटे की ये वीडियोस कम से कम 3 बार देखनी है, कम से कम 3 बार, और 2x पे नहीं देखनी, फर्स्ट टाइम जब भी देखोगे, उसे जो उसकी नॉर्मल स्पीड है उसी पे ही देखोगे,
सेकेंड टाइम 1.5x पे देख लेना, थर्ड टाइम 2x पे देख लेना। तो मतलब कि 17 तो 51 घंटे हो गए ना, मैं तुमसे तुम्हारे वीक के ये 51 घंटे मांग रहा हूं। इस 51 घंटे में तुम ये चार चैप्टर कर लो और तुमने सिर्फ उतना ही करना है जितना इसमें बताया गया होगा, ठीक है ना। इससे फालतू का कुछ नहीं सुनना, किसी की बात कुछ भी नहीं सुननी, समझ में आई ना बात। देखो मैं ये मान के चल रहा हूं कि अभी तुम बिल्कुल जीरो पे हो और तुम आज की डेट से ही अपने लिए एक ऐसा जोन क्रिएट कर लो कि भाई मेरे पेपर में चार चैप्टर आने हैं, अगले संडे को पेपर है और मुझे अपना 100%, 100 नहीं, 100 × 100% देना है। 100 × 100, 100 × 100% तो 1 ही हो गया। मुझे इतना परसेंट जो है वो अपने एफर्ट डालने, अपने खुद के साथ लॉयल रहना है कि भाई जो मैंने टारगेट या सर ने मुझे दिया है वो मैं कंप्लीट करके ही रहूंगा। इस चीज का फायदा पता क्या होगा, मुझे नहीं पता भाई इससे पेपर निकलेगा या नहीं निकलेगा, बट अगर इस एक वीक में पढ़ के तुमने अच्छा परफॉर्म कर लिया, तुम्हारे मन को एक संतुष्टि मिली, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि तुम्हारा नेक्स्ट अटेम्प्ट जो है वो क्लियर होगा ही होगा, ठीक है ना। इस चीज को एक चैलेंज लेके चलो कि भाई अगर मुझे एक हफ्ते में ये चार चैप्टर कंप्लीट करने हो तो मैं वो मतलब उसमें अपना 100% एफर्ट डालने के बाद मैं क्या कुछ उसमें कर सकता हूँ, ठीक है ना। ये एक चैलेंज लेके आपको चलना है, समझ में आ गई बात। तो अगर आप मेरी इस वीडियो से, इस बात से, इन बातों से सहमत हैं तो कमेंट करके जरूर लिखिएगा कि भाई, कमेंट जरूर करिएगा, वी विल रॉक इट। मैं समझ जाऊंगा कि भाई आप लोगों ने वीडियो देख ली, ठीक है ना। मैं गारंटी देता हूं भाई, गारंटी देता हूं कि तुम पेपर दे के निकलोगे ना, जब तुम खुश होगे, तुम संतुष्ट होगे, तुम्हें लगेगा कि भाई हाँ मैंने कुछ करा, समझ में आ गई बात। सिर्फ 144 आवर में से मैं तुमसे तुम्हारे 51 घंटे मांग रहा हूं, ठीक है। अगर तुम मान लो डेली का 6 घंटे सोते भी हो, चलो 7 घंटे लगा लिए मैंने, 42 घंटे, ये हो गया कितने हो गए, ये 3 5 4 9, पीछे कितना बच गया, 44 और 7, 44 और 7 51 घंटे और बच गए, ठीक है ना। इसमें भी तुम डेली के 2 घंटे, अगर 12 घंटे मैं खाने पीने के भी निकाल दूं तब भी तुम्हारे पास कितने घंटे बचते हैं, 39। 39 आवर्स में भाई तुम्हारा मतलब बहुत कुछ कर सकते हो तुम, बहुत कुछ, ठीक है ना। और ये 51 घंटे तो पूरे होंगे भी नहीं मैथ के, क्योंकि सेकेंड टाइम 1.5x से और थर्ड टाइम 2x से, तुम ये लगा लो कि ये ऑलमोस्ट 40 घंटे ही रहने वाले हैं तुम्हारे, ठीक है ना। बट मेक श्योर कि फर्स्ट टाइम तुम 1x पे ही देखोगे। अगर तुम्हें सेकेंड टाइम पे 1x पे देखना है तो 1x, मैं तो रिकमेंड यही करूंगा कि तीनों टाइम 1 1 1x पे ही देखना। बट स्टिल अगर टाइम की कमी लगे तो तुम ये स्ट्रेटेजी भी बना सकते, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी, अच्छी लगी होंगी, स्ट्रेटेजी आपको अच्छी लगी होगी। इंग्लिश के लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट, इस पे ज्यादा फोकस करना, क्योंकि बच्चा इसमें टाइम बहुत वेस्ट करता है। वोकैबुलरी हो गया, ग्रामर वाला पार्ट हो गया, उसमें टाइम वेस्ट नहीं होता, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में टाइम वेस्ट करता है। तो एटलीस्ट अपने माइंड को उस चीज के लिए प्रिपेयर करो कि तुम इंग्लिश को थोड़ा फास्ट पढ़ते हो। जीके के केस में वही है कि भाई करंट अफेयर पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना, बाकी चीजें तो चलो जो पढ़ रहे हो वो पढ़नी ही है, ठीक है ना। तो आई होप आपको जो ये वीडियो है वो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना। स्ट्रेटेजी कैसी लगी, और किसी भी चीज की, कोई भी चैप्टर अगर आपको ऐसा लगता हो कि सर इस चीज में थोड़ी दिक्कत आ रही है इसमें बताइए, तो वो कमेंट कर दीजिएगा। द वेरी नेक्स्ट मोमेंट आपको उसके ऊपर भी एक वीडियो मिल जाएगी, ठीक है जी। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर हेल वीक, फॉर योर यू नो जो लास्ट वीक है, जो हमारा डिसाइडिंग फैक्टर है यही 7 हफ्तों में। देखो
अगर तुम पढ़ोगे या जब तुम ये लास्ट वीक में पढ़ोगे तब हमें नहीं पता कि तुम्हारा पेपर क्लियर होगा या नहीं होगा, बट अगर तुम ये लास्ट वीक में नहीं पढ़ोगे तो डेफिनेटली नहीं होगा। अगर नहीं करोगे तो नहीं होगा, अगर करोगे तो चांसेस है, ठीक है ना। श्योरिटी इस लाइफ में, इस दुनिया में किसी भी चीज की नहीं है। ऐसा मैं कभी भी नहीं बोलूंगा कि भाई हाँ ये चीजें करने से श्योर श्योर कुछ हो ही जाए, बट आई कैन शो यू द पाथ, आई कैन गाइड यू, आई कैन शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू गाइस, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीजें ठीक लगी होंगी, ठीक है। तो अभी से देखो, आज के तो 24 घंटे, 24 भी नहीं, 12 घंटे तो मैंने, चलो लगा लो वीडियो के बाद 12 घंटे बचेंगे, आज के 12 घंटे तो मैंने इसमें ऐड भी नहीं करे, ठीक है ना। अच्छा, अगर ये जो मैं वीडियो बोली ना, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो, ये हमारा ई तक्षशिला क्लासेस के नाम से चैनल है। यहाँ पे एक है मैथ मॉक टेस्ट फॉर सीडीएस, एक है एडवांस मैथ वन शॉट, और एक है ये मैथ एफ कैट मैथ्स वन शॉट। देखो, एफ कैट मैथ्स वन शॉट में आपको वीडियो मिलेगी, नंबर सिस्टम की, ये चेक करो, कंप्लीट नंबर सिस्टम, थ्री डिजिट नंबर, ऑलमोस्ट 4 घंटे की वीडियो है ये। फिर सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल की तक्षशिला क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक मिनट भाई, यहीं पे पिछले 2 से 3 सालों में जितने भी एफकेट के एग्जाम हुए, कोशिश हमारी रहेगी उन सभी एग्जाम की। और उसका एडवांस मैथ्स के वन शॉट में आपको 2 वीडियो मिलेंगी, एक स्टैटिस्टिक्स की और एक ये अलजेब्रा की। स्टैट्स की ऑलमोस्ट 1 घंटा 40 मिनट के, स्टैट इतना ही टॉपिक है हमारा। कंप्लीट अलजेब्रा हमारा ऑलमोस्ट 5 घंटे की वीडियो है, तो ये दोनों ही वीडियो को स्किप मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। और जिन बच्चों ने अच्छे से तैयारी की हुई है तो वो जाके ये मैथ के जो मॉक टेस्ट है ना, 2 मॉक टेस्ट की वीडियो मैंने डाली हुई है, तो इन्हें जाके जरूर देखिएगा, ठीक है जी। तो चलिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।